शिवपुरी के चांदपाटा झील में जलकुंभी ने पसारे अपने पैर। बोट क्लब शिवपुरी में बोटिंग का आनंद नहीं ले पा रहे सैलानी। आपको बता दें कि शिवपुरी के चांदपाटा झील में 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया में जलकुंभी ने अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं चारों तरफ से जलकुंभी ने बोट को घेर लिया है। एमपी टूरिज्म का बोट अब जलकुंभी के चारों तरफ से जकड़ा हुआ है और सैलानी उसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं नवीन शर्मा, टूरिस्ट वेज एमपी टूरिज्म में मैनेजर हूँ। सर यहाँ सर जलकुंभी पनप रही है और बोटिंग बंद पड़ी हुई, कब से बंद है और क्या कारण है इसका? एक्चुअली ये जलकुंभी जो वाटर ग्रास है काफ़ी समय से, करीब हो गया मैं समझता हूँ 1-1.5 साल से है। पहले तो इतनी नहीं थी, पर ये डेवलप हो जल्दी होती है। अब ये फैल के पूरा से चांदपाटा जो सांख्या सागर लेक है वो पूरी कवर कर ली गई है। अब हालात में भी इसको हटाना बहुत ज़रूरी हो गया। अच्छा, ये पूरी लेक फॉरेस्ट के अंडर में आती है ना, तो ये लोग बेहतर उसमें काम कर सकते हैं और ये हटेगी नहीं ना तो ये प्रॉब्लम रहेगी। उसकी वजह से हमारी जो बोट्स हैं एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की वो चल नहीं पा रही हैं। अभी इस मैंने 9 तारीख से बंद है अभी तक। ये पहले तो ये था कि हवा चलती थी तो राइट से लेफ्ट हो जाती थी तो स्पेस मिल जाता था। अब ये क्या कि फिक्स हो गई वहाँ पर, बिल्कुल हटने वाली नहीं है। फिक्स से पहले सर कितने लगभग समय से बंद है? करीब इस महीने तो हमारा 9 तारीख से लेकर 15-16 दिन हो गया। इससे पहले जब फिक्स इसके पहले तो हर महीने 2-4-6 दिन तो बंद रहती रहती थी, क्योंकि क्या है कि हवा चलती थी राइट से लेफ्ट तो ये हमारे साइड में आ जाती थी तो पूरे बोटिंग की चारों तक कवर हो जाती थी। सर इससे कोई दुष्प्रभाव भी रहते हैं? एक्चुअली पानी के लिए तो बेकार है साहब, ये तो एनिमल्स भी इसको खाते नहीं है और ये वाटर को एब्जॉर्ब बहुत करती है, है ना। ये पानी से डेवलप होती है, पानी नहीं मिलेगा तो ये डेड हो जाएगी। सर तो हटाना बहुत जरूरी हो गया। सर नई साल है, ऐसे में सैलानी आएंगे तो निराश होकर लौटेंगे तो क्या कहेंगे इस विषय पर? हमारे लोकल के भी पर्यटक आ रहे हैं और बाहर के तो आए रहे हैं यहाँ पर, और सबको बड़ी निराशा हो रही है क्योंकि बोटिंग के लिए वो आते हैं, बोटिंग यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। तो वो देख के भी बोलते हैं सर इसमें आप कर भी कह सकते हो, क्योंकि चारों तरफ जमी हुई है और पॉपुलर का जो है वो चल नहीं पाता है पानी में। सर आपने वरिष्ठ अधिकारी या किसी से बात की तो क्या मतलब क्यों सफाई नहीं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की तो उनका ये कहना है कि साहब अभी हमारे पास में पैसा वैसा नहीं है और उनका बजट कोई होता है शायद तो वो भी नहीं आ पाया इनका, तो चल रहा है सब। उन्होंने बोला बहुत जल्द हम कराने वाले हैं इसकी सफाई, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा काम बढ़ गया है। अभी 2-4 दिन काम नहीं, इसमें लंबा टाइम लगने वाला, तब तो ये साफ होगी। पूरी सफाई बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये डेवलप होती जा रही है और एक टाइम वो आएगा कि पूरा चांदपाटा में ये फैल जाएगी। सर रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हो गया, उसके बाद भी इसकी देख रेख नहीं हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए सर वो तो हाँ होना तो चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि उनको वो चीज़ मिली है रामसर वाले लोगों की साफ सफाई का। पूरे वाइल्ड एनिमल्स भी पानी यहाँ के पीते हैं और सारे लोग यहाँ चांद पाटे बहुत पाने लेके जुड़ रहा है, उसका नाम भी का बहुत अच्छा है। तो ज़रूरी है कि हर प्रशासन का काम इतने बहुत जल्द करना चाहिए। सुनील रजक, न्यूज 18, शिवपुरी।